बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। देखा भाई साहब, हमारे योगी जी कितने महान आदमी हैं, उनके जैसा महान आपको मिलेगा नहीं। लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं नालायकों। वो बहन बेटियों का कितना ख्याल रखते हैं, बहन बेटियां अगर दुख तकलीफ में हो तो उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं। ऐसे हैं योगी जी महाराज हमारे है? कौन सी बहन बेटी? अरे यार, कंगना राणावत है? इतनी बड़ी देश की बहन बेटी है? उसकी पिक्चर रिलीज हुई, पूरे देश में उसकी पिक्चर कोई नहीं देख रहा था है? सारे थिएटर वालों ने उसकी पिक्चर को मतलब ताला लगा दिया, कोई देखने नहीं आ रहा है। बेचारी इतनी परेशान हो गई है? जो हाथ जोड़ करके खुद लोगों से बोल रही थी हमारी पिक्चर देखो, हमारी पिक्चर देख लो देख लो, फिर भी कोई नहीं देख रहा था। तब योगी जी को उस बहन का, कंगना जैसी प्यारी देशभक्त राष्ट्रवाद बहन का ख्याल उनके दिल में आया। तब उन्होंने बोला कि बेटी कंगना तुम इधर आ जाओ, हम पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके फिल्म देखेंगे। तो उस बेटी का कितना सम्मान किया, पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके फिल्म देखी। हाँ, और बाद में भाई साहब वो रोए भी, इतने इमोशनल आदमी है बहन बेटियों को लेकर के। हाँ एक मिनट, हाँ तू क्या बोल रहा है? हाथरस उन्नाव कानपुर थप्पड़ मारेंगे अभी, यहां कंगना बेटी की बात हो रही है। वो कंगना जैसी बेटी है क्या जो भी थी? कंगना 2014 के बाद आजादी पाई है, तो ऐसी बेटियों का पहले सम्मान होगा, पहले उनका ख्याल रखा जाएगा, उनकी फिल्में देखी जाएंगी, रोया जाएगा, आंसू बहाया जाएगा। कितना मतलब ख्याल रखा। और ये लोग भाई साहब खुशी की बात है, योगी जी हमारी कंगना की फिल्म देख रहे हैं और ये लोग बीच में उन्नाव तो कोई हाथरस अंट संट घुसेड़ थप्पड़ मारेंगे। साथ में पूरा मंत्रिमंडल बैठाला था योगी जी ने, उनके बगल में स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम आदरणीय पाठक जी भी बैठे हुए थे। अब पाठक जी देखो, उन्होंने भी पूरा मान सम्मान बेटी का किया। कानपुर में देखो एक हॉस्पिटल में कितना बड़ा लफड़ा हो गया था, छोटे छोटे बच्चों को गलत प्लाज्मा चढ़ा दिया गया। भाई साहब वहां नहीं गए, वो छोड़ करके कंगना की फिल्म देखी आदरणीय पाठक जी ने। ये सम्मान होता है बेटियों का। इन विरोधियों को क्या मालूम कि बेटियों का क्या सम्मान होता है। बीच में हाथरस और उन्नाव और कानपुर, हाँ हो गया था कानपुर में वो मां बेटी जल गई थी तो क्या हुआ, हर जगह जाएंगे क्या? तो साथ में अपने धामी जी वो उत्तराखंड के, बताइए उत्तराखंड से चल करके उत्तर प्रदेश आके लखनऊ उन्होंने फिल्म देखी बेटी के सम्मान में, बेटी का हौसला बढ़ाया। हाँ एक मिनट, अच्छा अंकिता भंडारी उत्तराखंड में जिसके साथ वारदात, अरे हो गई तो हो गई यार, क्या धामी जी जिम्मेदार है क्या? एक मिनट, हाँ तुम क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, वो अंकिता भंडारी का वो तो बीजेपी के ही लोगों को किया हुआ कांड था ना। हाँ हाँ, तो फिर ऐसे कैसे बोल देंगे धामी जी यहाँ पर एक बेटी का हौसला बढ़ाने आए हैं और वो अंकिता भंडारी का कांड वहां हो गया तो उसकी हो कहीं हाथरस? भाई साहब ये सब नालायक लोग हैं, इनकी बात पे ध्यान न दिया जाए। जब कोई फिल्म देखने को तैयार नहीं था, थिएटर वालों ने अपना थिएटर में ताला बंद कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा, ताला बंद कर दिया, तब जाके हमारे योगी जी ने पूरा मंत्रिमंडल बैठाल करके और कंगना की फिल्म देखी। और देखने के बाद योगी जी रोए भी, नहीं कंगना ने बताया था हाँ कि पूरी फिल्म देखने के बाद योगी जी रोए। अब भाई साहब फिल्म ही ऐसी है, योगी जी क्या रोए, भाई साहब जितने थिएटर वाले हैं वो भी रो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वो रो रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रो रहे हैं, यहाँ तक कि कंगना खुद रो रो करके बोल रही प्लीज हमारी फिल्म देख लो। अब कंगना तो यहाँ कह दिया कि जो लोग हमारी फिल्म नहीं देख रहे हैं, हमारी फिल्म जो लोग नहीं देख रहे हैं वो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं तो इसलिए हमारी फिल्म नहीं देख रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ थिएटर में एक भी बंदा फिल्म देखने नहीं आया, हर जगह एंटी नेशनलिस्ट लोग भरे हुए हैं देश में, समझिए मतलब देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है, इतनी समस्याएं, इतने पद पे बैठे हुए, इतनी जिम्मेदारियां, लेकिन भाई साहब फिल्म के लिए, फिल्म आप अच्छी बनाइए, सब सारी फिल्में रिलीज होती हैं, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती है, दर्शक आते हैं देखते हैं जिसका जैसा टेस्ट है। अब ये नया ट्रेंड बन गया कि फिल्म बनाओ इसके बाद ये स्टेट के मुख्यमंत्री के चरणों में झुक जाओ,
वो देख ले, फिर दूसरे स्टेट में निकल जाओ, उनको साध लो, राजनीतिक लोगों को साध लो और इनके जुगाड़ तुगाड़ से फिल्म चल जाए, समझ रहे। ये नया ट्रेंड चालू हुआ है। खैर, फिर भी ट्रेंड कुछ भी चालू कर लो, ये जनता है, जनता को जब फिल्म समझ में आती है तो पठान को भी हिट कर देती है, जवान को भी हिट कर देती है और कंगना की तेजस को, तेजस को क्रेश भी कर देती है। तो ये तो पब्लिक का मूड है, आप पब्लिक का जो है आप वो स्वीकार करिए। पब्लिक कोई बोल रहे कि सब देशद्रोही है, पूरी पब्लिक जो फिल्म नहीं देख रही, किसी की फिल्म फ्लॉप हो गई तो सारे देशद्रोही लोग हो गए, और इन चार लोगों ने देख ली तो ये सबसे बड़े देशभक्त हो गए। वाह भाई वाह कंगना जी, है कर आपका कहे, आप तो कुछ भी कह सकती हो। 2014 के बाद असली आजादी पाई हो तो आपका तो हक बनता है, भारत माता की जय। आप लगी रहो कंगना, बहुत ठीक है, बढ़िया एकदम। हाँ मैं कंगना, आई स्टैंड विद कंगना। हाँ कर लो, क्या करना है, तुम लोग ना लायको कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ भले पिक्चर फ्लॉप हो जाए, ना चले, डब्बा हो जाए, दो आदमी देखने ना आए, बट आई स्टैंड विद कंगना। हाँ जब योगी जी पिक्चर देख सकते हो, रो सकते हैं, तो हम क्या कंगना के साथ खड़े नहीं हो सकते। हाँ बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।